वेलकम, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं प्रिया हाजिर हूँ बॉलीवुड की मसालेदार खबरों के साथ। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और बताते हैं बॉलीवुड की टॉप स्टोरीज के बारे में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने बीते गुरुवार को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्हें सबसे खास गिफ्ट दिया उनकी बड़ी बेटी रिनी सेन ने। दरअसल सुष्मिता सेन के बर्थडे पर रिनी सेन की शॉर्ट फिल्म सट्टाबाजी का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर को सुष्मिता सेन ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और इसे सबसे शानदार गिफ्ट बताया है। बता दें कि रिनी सेन की शॉर्ट फिल्म सट्टाबाजी को कबीर खुराना ने डायरेक्ट किया है। रिनी सेन ने फिल्म सट्टाबाजी में 19 साल की लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है जो स्मोकिंग करती है। फिल्म में राहुल वोहरा और कोमल झाबड़िया उनके पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने कुछ दिन पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पत्नियों को लेकर एक वेब रियलिटी शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का ट्रेलर जारी किया था। अब इस टाइटल से फिल्म मेकर मधुर भंडारकर नाराज हो गए हैं। मधुर का दावा है कि बॉलीवुड वाइफ्स उनका टाइटल है जिसे उन्होंने करण जौहर को देने से इनकार कर दिया था। मधुर ने शो के निर्माताओं करण और अपूर्व मेहता से अपने शो का टाइटल बदलने की गुजारिश की है। मधुर भंडारकर ने इसको लेकर ट्वीट करके लिखा, प्रिय करण जौहर और अपूर्व मेहता ने मुझसे वेब के लिए बॉलीवुड वाइफ्स टाइटल मांगा था जिसे मैंने देने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है या नैतिक और सैद्धांतिक रूप से गलत है कि आपने टाइटल को द फेबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स करके इस्तेमाल कर लिया। कृपया मेरे प्रोजेक्ट को बर्बाद मत कीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि टाइटल बदल दीजिए। वहीं सारा अली खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सारा बचपन का एक फनी किस्सा सुनाती नजर आ रही है कि कैसे बचपन में उन्हें सड़क पर नाचता देख लोगों ने उन्हें पैसे थमाए थे। सारा बड़े ही मजे से अपने बचपन की ये स्टोरी शेयर करती हुई नजर आ रही है। सारा बताती हैं कि बचपन में मेरे पेरेंट्स सैफ अली और अमृता उन्हें भाई इब्राहिम अली खान को वेकेशन पर लेकर गए थे। वो शॉप से कुछ खरीदारी करने के लिए गए और हम दोनों शॉप के बाहर केयरटेकर्स के साथ खड़े थे। इस बीच वो डांस करना शुरू कर देती हैं और लोग ने रुक कर सारा को पैसे देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सारा भी उन पैसे को रख लेती है ये सोच कर कि पैसे मिल रहे हैं और वो ज्यादा डांस करना शुरू कर देती हैं। सारा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है।